जिला करनाल पुलिस की सीआईए वन टीम के द्वारा स्नैचिंग की वारदातों में संलिप्त एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। निरीक्षक दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्य करते हुए सीआईए वन की टीम ने आरोपियों अमित उर्फ सोनू निवासी सेक्टर 16 करनाल, संदीप वासी गांव बिछवड़ी गोहाना व सूरज वासी गांव बिछवड़ी गोहाना को केआर सिनेमा मेरठ रोड करनाल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि टीम को आरोपियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपियों से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बैंकों के पास निगरानी रखकर कैश ले जाने वालों का पीछा करके उनसे कैश छीनना, दिन भर शहरी इलाकों में बिना नंबर की मोटरसाइकिलों पर घूमकर महिलाओं के गले से चेन छपटकर फरार हो जाना उनका मकसद होता था। अभी तक की पूछताछ के आधार पर भी अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की निम्न अभियोगों में संलिप्तता पाई गई है। बता दें कि सन्नी मेहता वासी अवतार कॉलोनी करनाल ने कुछ दिनों पहले पल्सर बाइक सवार 2 अज्ञात आरोपियों पर 3 लाख रुपए छीनने के बारे में थाना सिविल लाइन करनाल में केस दर्ज करवाया था। वही शिकायतकर्ता प्रियंका वर्मा वासी सेक्टर 13 करनाल ने भी बाइक सवार 2 अज्ञात लड़कों पर 2 तोले की चेन स्नैच करने का मामला थाना सिविल लाइन करनाल में दर्ज करवाया था। वही सुकेश महाजन वासी ओल्ड रमेश नगर जिला करनाल ने भी गत दिनों बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों द्वारा गले से 3 तोला वजनी सोने की चेन झपट लेने की शिकायत थाना शहर करनाल में दर्ज करवाई थी। इसी तरह किरण वासी सेक्टर 6 करनाल ने भी बिना नंबर की बाइक पर सवार अज्ञात युवकों द्वारा उसकी सोने की चेन तोड़कर फरार होने का मामला थाने में दर्ज करवाया था। उपरोक्त चारों वारदातों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी संदीप ने उपरोक्त सभी मामलों में रेकी की थी और अन्य दोनों आरोपियों सूरज व अमित द्वारा वारदातों को अंजाम दिया गया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अमित उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी दिल्ली में पर्स स्नैचिंग व मोटरसाइकिल चोरी के 3 मामले दर्ज हैं, जिनमें आरोपी सजा काट चुका है। आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इस दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। नंबर की 2 युवक पानीपत से 3 लाख का कैश लेकर आ रहे थे न्यू चार चमन में। जैसे ही वो घर के पास उतरे, इतने में पल्सर पे 2 युवक आए और हाथ से बैग स्नैच करके ले गए, जिसमें 3 लाख की राशि थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमें फर्दर हैंडओवर की गई थी। और कल हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 युवकों को अरेस्ट किया पल्सर मोटरसाइकिल पे, जिनके नाम है एक का अमित है, एक का संदीप है और एक का सूरज है, जिन्होंने पूछताछ में हमारे को इस वारदात का खुलासा किया और इनका रिमांड लिया गया 19 तारीख तक। और इसके अलावा इन्होंने 3 वारदात का और बताया, जिसमें एक रमेश नगर में एक चैन स्नैचिंग की और एक सेक्टर 13 में एक युवक से चैन स्नैचिंग थी और एक सेक्टर 6 में एक लेडी से चैन स्नैच की हुई है इन्होंने। तो क्या इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने निकल कर आ रहा है सर? जी, एक जो अमित युवक है इसके खिलाफ पहले भी दिल्ली में स्नैचिंग के और चोरी के मुकदमे दर्ज है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.